चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राम मंदिर दर्शन करने वालों के लिए बुरी खबर, ट्रस्ट ने लिया बड़ा फैसला, 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बंद रहेगा मंदिर का कपाट। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने चलाई असली गोलियां, किसानों का बड़ा आरोप, भड़के उग्राहा, गुट के रेल रोकने का कर दिया बड़ा ऐलान। शेयर बाजार में लौट गया रौनक, सेंसेक्स 277 अंक चढ़कर 71,833 पर बंद, राशि फेरोशिप का शेयर 9% चढ़ा। 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएगा बंद, बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग भी नहीं काम करेगा, शिफ्ट करने का प्रोसेस चेक करें ऑनलाइन पर। लहसुन की बढ़ती कीमत के बीच खेतों में लगाया जा रहा है सीसीटीवी कैमरा, ताकि खेतों से लहसुन चोरी ना हो सके, किसानों ने लिया बड़ा फैसला। फरवरी महीना में 5 दिन लगातार बैंक रहेगा बंद, बैंक ने जारी किया हॉलीडे लिस्ट, इसी बीच 14, 15, 18, 19 और 20 फरवरी को रहेगा बैंक बंद। गरीबों के लिए आया नया पोको का मोबाइल 5G फोन, सिर्फ मिलेगा 9,999 रुपया में, मॉडल नाम है पोको C65 फोन। पाकिस्तानी रेंजर ने बॉर्डर पर BSF की चौकी पर किया हमला, बेवजह बरसाई गोलियां, जवानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। डिलीवरी के चंद दिन बाद दिया था एग्जाम, तमिलनाडु में आदिवासी महिला बन गई है सिविल जज। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने का हुआ ऐलान, बसंत पंचमी पर 3 महीने के बाद के तारीख का हो गया है घोषणा। इजराइल, यूक्रेन और ताइवान को अमेरिका की मदद, रास्ता साफ, सीनेट ने $95 अरब पैकेज पर लगा दिया मोहर। UAE में गूंजा है भारत माता की जय का नारा, तस्वीर में देखे कैसे मुस्लिम देश ने पीएम मोदी का किया स्वागत, UAE में राम मंदिर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पूर्व विधायक अरविंद सिंह भाजपा में शामिल, बाबूलाल मरांडी बोले हेमंत के गलत कार्यों को ना दोहराए चंपाई सोरेन। मराठा आंदोलन के सचिव मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ी, नाक से निकला खून, अस्पताल में किया गया भर्ती। पुतिन ने जंग रोकी तो उनकी हो जाएगी हत्या, एलन मस्क ने किया बड़ा दावा। बिलासपुर में गर्भवतियों के साथ अब सभी मरीज की सोनोग्राफी, एक्सरे व ECG जांच होगा निशुल्क। भारतीय सैनिक की रिहाई में मेरा कोई योगदान नहीं, पूरा श्रेय भारत सरकार को जाता है, शाहरुख खान ने दिया बड़ा बयान। BPL लीग में आंखों की रोशनी की समस्या से जूझ रहे शाकिब अल हसन ने मचाया धमाल, जड़ दिया टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक। कुर्ता पजामा और सदरी, इस खास ड्रेस में नजर आएंगे भारतीय नौसेना, ऑफिसर्स मेस में नया ड्रेस कोड हुआ लागू। CBSE बोर्ड परीक्षा कल से हो गया है शुरू, आज से नया गाइडलाइन हो गया जारी, परीक्षा सेंटर में ड्रेस पहनकर आना हो जाएगा अनिवार्य। मोदी पावर, पीएम मोदी से दोस्ती निभाने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ एयरपोर्ट पहुंचे शेख मोहम्मद, मोदी को गले लगाया तो पाकिस्तानी की निकली हवा। थोक महंगाई दर में गिरावट, सब्जियों के दाम घटने का दिख रहा असर, लगातार बढ़ रहा महंगाई। 4 महीने बाद PV सिंधु की जीत के साथ वापसी, भारत ने चीन को 3-2 से हराया। किसान के साथ बातचीत के लिए केंद्र सरकार है तैयार, किसान संगठनों के प्रस्ताव का हो रहा इंतजार। 20 लाख करोड़ रुपए बाजार पूंजीगत हासिल करने वाली रिलायंस कंपनी पहली भारतीय कंपनी बनी। हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक ठप रहेगी इंटरनेट सेवा, किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट। 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री होगा, मोदी सरकार जल्द ला रही है पीएम सूर्योदय योजना। लड़की को प्रेग्नेंट करो और 13 लाख रुपया पाओ, मार्केट में नया स्कीम, वायरल हो रहा है ये सोशल मीडिया पर न्यूज, फर्जी न्यूज फैलाने वालों पर जल्द होगा शिकंजा। अब ATM मशीन जाने की जरूरत नहीं, आ गया वर्चुअल ATM, एक OTP से मिल जाएगा कैश।
यूएई में पीएम मोदी यूपीआई रुपे कार्ड सेवा की शुरुआत कर दी। पीएम मोदी ने यूपीआई से राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से किया लॉन्च। इजराइल हमास वार। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिश में जुटा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन और जॉर्डन की किंग के बीच हुई है चर्चा। टीम इंडिया पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। अब जसप्रीत बुमराह हुए टेस्ट सीरीज से बाहर। चौंकाने वाला बड़ा खुलासा। सिर्फ 500 रुपए में काशी के दर्शन। बनारस जाने वाले योगी सरकार ने दिया बड़ी सौगात। अब सिर्फ 500 रुपए में होगा काशी का दर्शन। प्रयागराज में बन रहा सबसे लंबा रोपवे। महाकुंभ से पहले खुलने की उम्मीद। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा। बोले कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को पीएम मोदी ने नहीं शाहरुख खान ने छुड़ाया। बनभूलपुरा में 300 मुस्लिम परिवार का पलायन। पुलिस ने बंद किया एग्जिट एंट्री पॉइंट। गोरखपुर से दिल्ली बिहार पंजाब आने वाले तमाम ट्रेन का बदल गया रूट। शेड्यूल ट्रैक पर जारी। आज ही चेक कर सकते हैं रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। आंद्रे रसल ने मचाई खलबली। T20 में रदरफोर्ड से मिलकर बना लिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हल्द्वानी हिंसा के बाद 500 मुस्लिमों ने किया पलायन। प्रशासन ने मुख्य आरोपी को दिया 2.45 करोड़ रुपया वसूली का नोटिस। मार्केट में लौटी रौनक। सेंसेक्स निफ्टी में शानदार उछाल। निवेशक पर 1.92 लाख करोड़ की बारिश। SSC CGL पेपर लीक। बेटे ने फॉर्म भरा। अवर सचिव ने अभ्यर्थी से लिए 9 लाख। SIT जांच में अहम खुलासा। प्रधानमंत्री मोदी ने की पीएम सूर्य का घर योजना की घोषणा। हर महीना 300 यूनिट मुफ्त देगी सरकार। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024। वाराणसी जोन के अभ्यर्थी कल से ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in पर कर सकते हैं आवेदन। बदलने वाला है मौसम। बर्फीली हवाएं बढ़ाएगी ठंड। यूपी बिहार में फिर बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। आज सोना चांदी कीमत में आया गिरावट। चांदी हुई महंगी। 62,500 के नीचे आया सोना। चांदी 71,000 के करीब पहुंचा। शेयर बाजार में आया भारी गिरावट। सेंसेक्स 523 अंक से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 166 अंक गिरा। लिस्टिंग डे पर APJ सुरेंद्र पार्क होटल का शेयर 31% चढ़ा। श्रीलंका और मॉरिशस में UPI हुआ लॉन्च। भारतीय टूरिस्ट यहां कर सकेंगे UPI पेमेंट। 2 फरवरी को फ्रांस में सर्विस हुई थी शुरू। मारुति सुजुकी लाएगी फ्लाइंग वाली कार। 2025 तक आएगा पहला मॉडल। घर की छत से ही टेक ऑफ लैंडिंग हो सकेगा। सीटिंग कैपेसिटी भी होगा लॉन्च। जनवरी में रिटेल महंगाई घटकर 5.1% आई। इसका कारण खाने पीने के सामान में कीमतें घटी। दिसंबर में 5.69% रही। लगातार सब्जी कीमत में हो रहा है बढ़ोतरी। लहसुन का कीमत हुआ 400 किलो के पार। फिजिक्स वाला के अलग पांडे ने आर्थिक रूप से पिछड़े 51,000 छात्रों की फीस को किया माफ। 3 दिन तक ED की रिमांड पर रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट से निकलते ही मुस्कुराए हाथ उठाए। वीडियो हुआ वायरल। किसान आंदोलन से पहले हरियाणा पंजाब की सीमाएं हो गई है सील। हाई अलर्ट जारी। प्रशासन ने बंद कर दिया इंटरनेट। इस सीजन देश भर में 42 लाख होंगी शादी। इसका लगाया जा रहा अनुमान। अर्थव्यवस्था को मिलेगा 5.5 लाख करोड़ का बूस्टर डोज। दिल्ली के CM केजरीवाल व पंजाब के CM भगवंत मान ने परिवार सहित किए रामलला के दर्शन। योगी सरकार का बड़ा फैसला। UP में फसलों के मुआवजे छूटे। 3.5 लाख से अधिक किसानों को करीब 177 करोड़ देगी सरकार। वित्त मंत्रालय ने लाखों पेंशनरों को दिया बड़ा झटका। EPFO की सिफारिश को मानने से कर दिया इनकार। चोरी हुई मोबाइल वापस दिला सकेगा गूगल मैप। जल्द आएगा नया अपडेट। खोज सकेंगे मोबाइल फोन। 5 विधायक गायब हुए हैं ना, सबका इलाज करूंगा। विधानसभा में सम्राट चौधरी का हुंकार। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिक। रिहा 7 भारतीय लौटे। एयरपोर्ट पर लगाए भारत माता की जय के नारे।